सुपरस्टार आमिर खान, जिन्हें लोग बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जानते हैं, उनका 35 साल का फिल्मी करियर काफी हद तक सफल रहा है। उन्होंने इस दौरान एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा कायम रखा। हालांकि पिछले कुछ सालों से उनकी फिल्मों का जादू देखने को नहीं मिला, इसके बावजूद वह बॉक्स ऑफिस पर हिट मशीन है। आपको बता दें कि वैसे तो आमिर खान के नाम बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड हैं, लेकिन आज हम आपको उनके जिस रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपको हैरानी होगी। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के मामले में आमिर खान नंबर वन पर बने हुए हैं। इस मामले में कोई भी एक्टर उनसे आगे नहीं निकल पाया है। बता दें कि शाहरुख खान, सलमान खान और सन्नी देओल जैसे दिग्गज कलाकार भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए हैं। आमिर खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान के नाम 5 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। उनकी पहली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी, जो 11 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी। उनकी दूसरी फिल्म 3 इडियट्स थी, जो 24 दिसंबर 2009 को आई थी। तीसरी फिल्म धूम 3 थी, जो 20 दिसंबर 2013 को आई थी। चौथी फिल्म पीके थी, जो 19 दिसंबर 2014 को आई थी। और पांचवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी दंगल, 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। बात करें शाहरुख खान की तो उनके खाते में केवल 2 ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, जिसमें उनकी पहली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो 20 दिसंबर 1995 में आई थी। वहीं दूसरी फिल्म थी कुछ कुछ होता है, जो कि 16 दिसंबर 1998 में आई थी। वहीं सलमान खान के खाते में भी केवल 2 ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं। 5 अगस्त 1994 में आई सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। और उनकी दूसरी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी बजरंगी भाईजान। अब बात करें सन्नी देओल की तो बॉक्स ऑफिस पर अब तक उन्होंने भी केवल 2 ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिसमें 13 जून 1997 में आई फिल्म बॉर्डर थी, 15 जून 2001 में आई फिल्म गदर शामिल है। अब ऐसा लगता है कि सनी देओल जल्द ही आमिर खान का ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सनी देओल के पास कई सारी बड़ी फिल्में आ गई हैं, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी फिल्म है गदर 2, जो कि 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा सनी देओल के पास बॉर्डर 2, अपने 2, सूर्य, बाप, लाहौर 1947 जैसी बड़ी फिल्में हैं। इसीलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि सनी देओल जल्द ही आमिर खान का ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है, सनी देओल आमिर खान का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना न भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन।